हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सी सेट पेपर 2 की आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पजल्स। लास्ट क्लास में भी हमने पजल्स डिस्कस की थी। पजल्स इंपॉर्टेंट है सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें तो उसके एनालिसिस करें तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पजल्स आते थे। हाँ जी, आप ये कहिए 2017, 2018, 2016 में तो पजल्स ये लगाओ 3 से 4 पजल्स एग्जाम में आई हुई थी, है ना, 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे सॉरी एग्जाम के अंदर। बट अभी थोड़ा सा कम आ रही है पजल्स। लास्ट ईयर नहीं थी इतनी पजल्स, बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस बार पजल्स नहीं आएंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हर बार थोड़ा सा चेंज आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार पजल्स आ जाएं, ठीक है ना। 2 पजल्स भी आ सकती है, तो इट डिपेंड्स। तो अभी पजल्स जो सी सेट के अंदर पजल्स आती है, तो अगर प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ आपको, तो उसके अंदर आपके पास ये लगा लो 2-3 वेरिएबल पजल्स आती हैं। हाँ जी, 2-3 वेरिएबल पजल्स आ जाती हैं, तो उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में उसी टाइप की पजल्स डिस्कस कर रही हूँ जैसे कि पहले पूछी गई हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पजल्स को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि कोई भी जब आप पजल करते हो तो पहले ये आप एनालाइज करो थोड़ा सा पजल को। जब स्टार्टिंग में आप एक पैराग्राफ को देखते हो तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि पजल की टाइप क्या है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसके अंदर गिवन है, तो अब हमें वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अगर मुझे टेबल की रिक्वायरमेंट है तो उस टेबल के अंदर मैं फिट करती हुई चलूंगी। अगर मेरी अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसको सेट करती हुई चलूंगी। ओके, मे बी सेटिंग अरेंजमेंट भी हो सकती है। तो कोई भी आपके पास में जैसे भी अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाओगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जैसे एक हमारे पास पजल है, एक 3 वेरिएबल पजल मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। क्या है इसके अंदर? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर 7 फ्रेंड्स। 7 फ्रेंड्स हैं, ईच ऑफ देम लाइक ए पर्टिकुलर फ्रूट्स। 7 फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रूट्स वो लाइक करते हैं, ठीक है। एंड देन देर आर द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, पियर, गावा, ऑरेंज, मैंगो एंड वाटरमेलन। एंड ईच ऑफ देम हैव फेवरेट सिटीज। अब उनके सभी के अलग अलग सिटीज भी हैं, सिटीज हैं। 7 फ्रेंड्स, 7 फ्रूट्स, 7 सिटी। 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, क्या? उनके नेम, उनके फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट्स एंड उनके फेवरेट सिटी। जब भी इस तरह की पजल आती है जिसमें आपके पास में ऐसे मल्टी वेरिएबल्स हैं, इन दैट केस हम क्या करते होते हैं? हाँ जी, जब भी इस तरह की पजल आती है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, टेबल के बेस पे उस पजल को सोल्व करते हो। आप कैसे सोल्व करोगे? आप उसको टेबल के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके लिए हम टेबल में हमें क्या क्या चाहिए? एक वेरिएबल जो है उसको आप फिक्स कर लो, बाकी को उसके अकॉर्डिंग सेट कर दो। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए? हाँ जी, हमें चाहिए नेम, यस, नेम की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फ्रूट एंड देन सिटी। ओके, यही है ना, फ्रूट एंड देन सिटी। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। ये देखिए, एक टेबल बनाते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अब मैंने वहां पे ले लिया, जैसे सपोज करो सबसे पहले हमने लिया नेम। ओके, अब उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे फ्रूट, और उसके बाद हमारे पास है फेवरेट सिटी। अब हमने इंफॉर्मेशन को पुट करना। अब एक और बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पजल को सॉल्व करते हो तो जो आपके पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन उसको तो आप डायरेक्टली पुट कर लोगे टेबल में, और जो इंफॉर्मेशन उस टाइम पे हमारी टेबल में नहीं सेट आ रही उसको साइड में हम नोट डाउन कर लेंगे। सो दैट कि जैसे ही वहां पे उसकी अवेलेबिलिटी हो, जैसे ही कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो हम उसको अपनी टेबल में फिट कर लें। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या है। हाँ जी, देखते हैं क्या है? क्यू लाइक्स मैंगो, क्यू लाइक्स। पहले जब मैंने अभी एक और बात बताई आपको कि एक जो वेरिएबल है उसको फिक्स कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेरिएबल्स को फिक्स कर लिया। क्या है हमारे पास? नेम्स, पी क्यू, यहाँ पे मैंने लिख लिया पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू। अब लिखते हैं, देखो, क्यू लाइक्स मैंगो, क्यू को मैंगो पसंद है, तो यहाँ पे हमने क्यू के सामने क्या रख दिया? मैंगो। ओके, एंड हिज फेवरेट सिटी इज चेन्नई, एंड हिज फेवरेट सिटी इज चेन्नई। देन द वन हुज फेवरेट सिटी इज पुणे लाइक वाटरमेलन, जिसका फेवरेट सिटी पुणे है उसको वाटरमेलन पसंद है। ओके, अब हमें यहां से नहीं पता कि हाँ जी जो 6 पीपल रह गए हैं उनमें से कौन है ऐसा, तो हम यहाँ पे तो नहीं लग सकते, इसको हम साइड में लिख लेंगे। क्या? कि जो पुणे है जिसका फेवरेट सिटी उसको क्या पसंद है? वाटरमेलन पसंद है। ओके, यही है। अब उसके बाद में क्या है? टीज फेवरेट सिटी इज कोलकाता, टी का फेवरेट सिटी क्या है? कोलकाता। आर लाइक्स गावा, आर लाइक्स गावा,
एंड हिज फेवरेट इज नॉट मुंबई. अब जो नोट है ना, नोट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हमने साथ में लिख लेना है कि यहाँ पे मुंबई नहीं आ सकता. उसके साथ में क्रॉस प्लेस कर लो कि हाँ जी यहाँ पे नहीं आएगा मुंबई. ठीक है, जैसे ही कोई कंडीशन आएगी तो पहले हमने उसको चेक करना है. ठीक है, आगे देखो. हाँ जी, डब्ल्यू फेवरेट सिटी इज कोचीन. डब्ल्यू का क्या है? कोचीन. ठीक है, अब उसके बाद में गिवन है एंड ही डज नॉट लाइक इधर बनाना और पियर. अब यहाँ पे देखो एक और बात, जब भी आप पजल सॉल्व करते हो तो यहाँ पे कीवर्ड आता है अपने पास में, एक एंड और एक हु. जब भी एंड हो रहा है, यहाँ पे देखो एंड है, एंड दैट मींस कि हम किसकी बात कर रहे हैं. एंड का मतलब है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, द फेवरेट सिटी ऑफ द वन हु. कहाँ था आपका? हाँ जी, डब्ल्यू फेवरेट सिटी इज कोचीन एंड ही डज नॉट लाइक. एंड यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यू की ही बात कर रहे हैं. एंड दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग डब्ल्यू. ओके, दैट मीन्स कि डब्ल्यू को बनाना और पियर पसंद नहीं है. तो यहाँ पे इसके लिए बनाना को भी हम क्रॉस कर देंगे और पियर को भी क्रॉस कर देंगे. ओके, द फेवरेट सिटी ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज हैदराबाद. जो जिसको ऑरेंज पसंद है उसका सिटी कौन सा है? हैदराबाद. अब हमें नहीं पता कि कौन है तो इसलिए हमने उसको साइड में प्लेस कर दिया. ओके, अब आगे देखो क्या गिवन. टी डज नॉट लाइक पियर. टी को भी पियर पसंद नहीं है तो टी के लिए भी हम पियर को क्रॉस कर देंगे. ओके, पीज फेवरेट सिटी इज नीदर पुणे नोर हैदराबाद. अब देखो यहाँ पे एक बात और है कि ये जो दो इंफॉर्मेशन आई हमारे पास में, क्या कि जिसको वाटरमेलन पसंद है वो पुणे का है, उसको पुणे सिटी लाइक करता है वो, और ऑरेंज वाला हैदराबाद. ओके, तो अब इसको हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? जहाँ पे मुझे दोनों प्लेसेस खाली मिलेंगे वहीं पे आ सकता है. तो उसके लिए क्या है, एक तो ये जगह बच जाती है आपके पास, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है. ठीक है, अब तीन प्लेस है और वैल्यूज हमने ये दो प्लेस करनी है. तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि पीज फेवरेट सिटीज नीदर पुणे नोर हैदराबाद. ना तो पुणे है ना तो हैदराबाद है. दैट मीन्स कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों यहाँ पे पी की जगह पे नहीं आ सकते, पी की जगह पे नहीं आ सकते. ये हमें कंफर्म हो गया. मीन्स कि ये जो है आपके पास में, ये दोनों ये कहाँ पे आएंगे? एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा. क्लियर? अब देखो आगे भी साथ में एक और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन. एस डज नॉट लाइक वाटरमेलन. एस को वाटरमेलन पसंद नहीं है. एस को वाटरमेलन पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि वाटरमेलन वाला यहाँ नहीं आएगा. वाटरमेलन वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके, और वाटरमेलन के लिए क्या था? पुणे सिटी. जिसको वाटरमेलन पसंद है उसके लिए सिटी कौन सा था? पुणे. अब दूसरा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आएगा आपके पास ऑरेंज, और इसके लिए सिटी कौन सा है? हैदराबाद. ओके, अब देखो यहाँ पे जो टी है, ठीक है, टी को पियर पसंद नहीं है, डब्ल्यू को भी पियर पसंद नहीं है. दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों जगह पे पियर नहीं आ सकता. तो पियर कहाँ पे आएगा? पियर यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब देखो एक और बात. अब इसको बनाना भी पसंद नहीं है, इसको पियर भी पसंद नहीं है. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे बनाना आ जाएगा. यहाँ पे बनाना आ जाएगा क्योंकि इसको तो बनाना पसंद नहीं है. तो बनाना कहाँ पे आ जाएगा? बनाना यहाँ पे आ जाएगा. और इसके लिए कौन सा फ्रूट आ जाएगा? जो कि अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आया है. तो कौन कौन से थे? एप्पल, बनाना. एप्पल नहीं आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? एप्पल. ओके, फ्रूट सभी के लिए फिक्स हो गए. नाउ कम ऑन द सिटी. अब यहाँ पे देखो आपके पास दो सिटीज रह गए हैं. कौन कौन से दो सिटीज रह गए? वन इज दिल्ली एंड द सेकेंड वन इज मुंबई. ओके, अब देखो कि यहाँ पे जो आर है, आर को मुंबई नहीं पसंद. हमने लिखा था अभी कि हाँ जी यहाँ पे मुंबई नहीं आ सकता. अगर यहाँ पे मुंबई नहीं आ सकता तो मुंबई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. तो यहाँ पे हम मुंबई को प्लेस कर देते हैं. यहाँ पे क्या रह गया फिर? दिल्ली. ओके, पजल इज सॉल्व. बिल्कुल क्लियर है? अब एक बार जस्ट पजल को जब हम सॉल्व करते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम लगता है. उसके बाद में उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बड़ा ही इजीली आप सॉल्व कर लेते हो. ओके, तो अभी हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. हाँ जी, देखो ये सेम पजल मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बना दी है. उसका रीजन क्या है यहाँ पे प्लेस करने का कि हाँ जी साथ साथ हम क्वेश्चन को सोल्व करते रहे, बार बार बैक ना जाना पड़े. आपके पास ये पजल पेपर पे हो गया, वहां से आप इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. फर्स्ट है हु लाइक्स एप्पल. एप्पल किसको पसंद है? यहाँ पे हमें पता है किसको पसंद है.
हाँ जी W को देखो, हमारी पजल्स में भी यही था, सेम पजल बनी हमारी, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपके पास में W। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, यस विच फ्रूट डज पी लाइक, पी को क्या पसंद है, पी कौन सा फ्रूट लाइक करता है, पियर, दैट मीन्स आंसर विल बी पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज आर्स फेवरेट सिटी, आर का फेवरेट सिटी कौन सा है, वेयर इज आर, दिस इज आर एंड फेवरेट सिटी इज दिल्ली, दैट मीन्स दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन फ्रूट एंड सिटी इज इनकरेक्ट, पर्सन फ्रूट एंड सिटी इज इनकरेक्ट। अब देखिए फर्स्ट आर गावा कोलकाता, अब आर में आते हैं आर गावा, बट यहाँ पे क्या है दिल्ली है, दैट मीन्स क्या है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, हाँ जी इनकरेक्ट है। दूसरा वी वाटरमेलन हैदराबाद, वी वी ये है वी वाटरमेलन, बट दिस इज पुणे नॉट हैदराबाद, दिस इज अगेन रॉन्ग। टी बनाना कोचिन, टी बनाना बट दिस इज कोलकाता, तो यह ये अपने पास में ये भी रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स कि सारे के सारे जितने भी ऊपर गिवन है सारे के सारे रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। ओके यस नेक्स्ट देखिए, विच इज वीज फेवरेट सिटी, वी का फेवरेट सिटी कौन सा है, दिस इज पुणे, सो आंसर विल बी पुणे। ओके यस हाँ जी नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पजल से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है कि हाँ जी अभी अक्टूबर में आप लोगों का सी सेट का एग्जाम होना है, हाँ जी प्री है, प्री के अंदर सी सेट का एग्जाम है पेपर टू। अब उसके लिए प्रिपेयर तो करना ही है, तो आपका क्वालिफाइंग, अब उसके लिए टाइम काफ़ी कम है, तो अगर आप सी सेट के लिए कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वीडियो कोर्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिक्कत आ रही, यू कैन टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देर आर 80 लेक्चर्स, लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा देखो यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, क्या, वन इज एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन सीरीज जो अभी चल रही है, जिसके अंडर अभी आज की क्लास है, और दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर हमने आपको 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं, ठीक है, तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि इसके अंदर एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं, और सभी जो जितने भी इसके अंदर लेक्चर है सभी लेक्चर के साथ में एक टेस्ट और PDF अटैच है, वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हो। दूसरा हाँ जी ये सीरीज ज्वाइन करने का फायदा ये है कि ये सीरीज अभी रिसेंट हमारी चल रही है, इसके अंदर भी हर एक लेक्चर के साथ में PDF अवेलेबल है, और जितने भी प्रीवियस अभी तक के लेक्चर हो चुके हैं वो सभी के सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाएंगे। दीज टू आर टोटली फ्री, इसके अंदर कोई आपके चार्जेस नहीं है, एंड दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जो स्टूडेंट अभी ऐसा लगता है जिनको कि हाँ जी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हमारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है और मैंने सी सेट बिल्कुल नहीं प्रिपेयर किया, अब मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, उस केस के अंदर वो इनमें से कोई भी कोर्स ले सकता है, कंप्लीट कोर्स लेना है या फिर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, एज यू विश। ओके इसके अलावा वन मोर थिंग, हाँ जी अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसके वो ये पता है कि हाँ जी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में से पिछली बार 13 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है जैसे अब इससे इसी तरह से और कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, लाइक ब्लड रिलेशन हो गया है, डायरेक्शन सेंस हो गया है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया है, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो किसी भी टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या एक पर्टिकुलर टॉपिक ही सिर्फ प्रिपेयर करना है, कि भी हम वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिनमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ हम उन टॉपिक्स को तैयार कर ले क्योंकि क्वालिफाइंग है, ऐसा भी होता है, तो उस केस के अंदर वो सिर्फ उसी टॉपिक को ले सकता है। क्वांट के टॉपिक्स के लिए है मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, एंड देर आर 8737 रिसोर्सेज अवेलेबल। अब इसके अंदर भी अगर आप फर्दर जाते हो, व्यू माइक्रो कोर्सेज करते हो, तो आपको हर एक टॉपिक अलग अलग मिल जाएगा, और हर एक टॉपिक में से भी आप क्या कर सकते हो, जो भी सिलेबस में क्वांट के टॉपिक्स है सभी टॉपिक्स आपको अवेलेबल हैं, और हर एक टॉपिक में से आप वीडियो कोर्स की रिक्वायरमेंट है वीडियो कोर्स ले सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए विद सॉल्यूशन तो वो भी अवेलेबल है। ओके सेम वे यू कैन टेक माइक्रो कोर्सेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ओके यस नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पजल, देयर इज अ पजल ऑन द स्क्रीन, क्या है देखिए, अगेन ABCDEFG आर लेक्चरर इन डिफरेंट सिटीज, हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, मुंबई एंड श्रीनगर, देयर आर हाँ जी देयर आर सम पर्सन्स ABCDEFG, टोटल 7 पर्सन्स है, और वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके और साथ में उन्होंने क्या कहा कि हु पार्टिसिपेट इन एन कॉन्फ्रेंस, जो कि एक कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ देम इज स्पेशलाइज्ड इन ए डिफरेंट सब्जेक्ट, और सभी का अलग अलग सब्जेक्ट है स्पेशलाइजेशन का, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक. ओके, अब उसके बारे में आगे फर्दर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. अब देखो, जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन रीड करी तो मुझे पता चल गया कि देर आर टोटल 7 पर्सन, 7 सिटी एंड 7 सब्जेक्ट्स. ओके, अभी क्या करेंगे, हाँ जी, 3 वेरिएबल पजल है, क्या करोगे, टेबल बनाओगे, सिंपल सी बात है. अब इसको टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं. हाँ जी, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, एक नेम है, एक सिटी है और एक सब्जेक्ट है. अब इंफॉर्मेशन पुट करनी है आपने, क्या कह रहे हैं, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी. लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड फ्रॉम ज्योग्राफी. अब सबसे पहले क्या करना है कि अब मुझे नहीं पता कि हाँ जी मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी कुछ नहीं पता. अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते हैं, नेम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि हाँ जी आपको क्या लेना, तो हमने नेम ले लिया सभी का, ठीक है. अब क्या कहा है कि जो कानपुर से है वो ज्योग्राफी के अंदर स्पेशलाइज्ड है. अब इसमें से कहीं पे भी किसी का नाम भी नहीं गिवन, तो मैं इसको क्या करूंगी, साइड में नोट डाउन कर लेंगे हम, क्या कि जो कानपुर से है उसको क्या उसका स्पेशलाइजेशन किस में है, ज्योग्राफी के अंदर. ओके, लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग. लेक्चरर डी इज फ्रॉम शिलोंग, यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया शिलोंग. डन. अब उसके बाद है लेक्चरर सी इज फ्रॉम दिल्ली एंड स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी. अब सी जो है दैट इज फ्रॉम दिल्ली, सी फ्रॉम दिल्ली एंड हिज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजी. डन. लेक्चरर बी इज स्पेशलाइज्ड इन नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. अब देखो उसने स्पेशलाइजेशन बताई नहीं, नेगेटिव आपके पास में यहाँ पे एक पॉइंट आया है क्या कि बी स्पेशलाइज्ड नीदर हिस्ट्री नॉर मैथमेटिक्स. अब ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहने वाली है कि जहाँ पे भी आपके पास में नोट वाली इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको भी साथ साथ नोट डाउन करना कि बी के लिए हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं हो सकता. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया हिस्ट्री नहीं आ सकता इसके लिए और मैथमेटिक्स भी नहीं आ सकता, ठीक है. मीन्स सब्जेक्ट के अंदर बी के साथ में क्या नहीं आ सकता, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं आ सकता. लेक्चरर ए हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स. अब देखो यहाँ पे हु है, हु मीन्स किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है. हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, ए इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, हैदराबाद से बिलोंग नहीं करता. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास में हैदराबाद नहीं आ सकता, ठीक है, गिवन. अब आगे देखो लेक्चरर एफ हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स. लेक्चरर एफ इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स, ये कॉमर्स में स्पेशलाइज्ड है. Belongs to श्रीनगर. कुछ नहीं करना, पजल्स बहुत इजी होती है. मैं आपको ये कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि पजल मुश्किल होती है, मैं कहती हूँ पजल्स इजी होती है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है इसके अंदर, ठीक है. इफ यू प्रैक्टिस देन आप खुद कहोगे कि हाँ जी पजल्स इजी है, एक बार हम सोल्व करते काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उसपे, है ना. अब अगला देखो, लेक्चरर जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक बिलोंग्स टू चेन्नई. जी हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक बिलोंग्स टू चेन्नई. ओके, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है हमारे पास में. हाँ जी, एक पॉइंट क्या था आपके पास में कि जो कानपुर से बिलोंग करता है उसका सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी. कानपुर वाले का सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है. अब यहाँ पे देखो कानपुर वाले का सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है. अब यहाँ पे खाली जगह देखनी है कि ये या तो यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ ज्योग्राफी को, एक सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ तो उस केस के अंदर मेरे पास दो सब्जेक्ट रह जाएंगे, कौन से, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स. कौन से रह जाएंगे, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, दो सब्जेक्ट रह जाएंगे. अब थोड़ा सा सोचना, अब वो मैं कहाँ पे प्लेस करूंगी, एक को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा और एक को मुझे यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा. और यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि बी को हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है. जब उसकी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है, दैट मीन्स कि फिर इसका मतलब कि यहाँ पे तो मैं प्लेस नहीं कर सकती उसको, ठीक है. दैट मीन्स कि जो ज्योग्राफी कानपुर है वो आप, हाँ जी, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा. सिंपल सी बात, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आएगा आपके पास में सिटी इज कानपुर
और यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी। क्लियर? हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी देखो दूसरा क्या है आपके पास में। हाँ जी, दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे हैदराबाद नहीं आ सकता, यहाँ पे हैदराबाद नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि हैदराबाद फिर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हैदराबाद यहाँ पे नहीं आ सकता, देयर आर टू प्लेसेस फॉर हैदराबाद। यहाँ पे स्पेशली गिवन है कि हाँ जी यहाँ पे हैदराबाद नहीं आ सकता, तो हैदराबाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब एक सिटी रह गया आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा सिटी रह गया? दिल्ली, दिल्ली भी हो गया, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, श्रीनगर, कानपुर, कानपुर रह गया ना, आई थिंक कानपुर भी हो गया है। हाँ जी, देखिए एक बार कौन सा सिटी रह गया आपका। हैदराबाद आ गया, दिल्ली आ गया, शिलोंग भी आ गया है, उसके बाद है कानपुर, कानपुर भी हो गया, चेन्नई, चेन्नई भी हो गया, मुंबई नहीं हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपके लिए, मुंबई आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया मुंबई। अब आते हैं हम स्पेशलाइजेशन के। अब हमारे पास में दो सब्जेक्ट रह गए, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन के, कौन सा, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, है ना। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे मैं कहूँ कि या तो यहाँ पे हिस्ट्री आएगी या फिर यहाँ पे आएगी, या फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स इन दोनों में से किसी भी एक जगह आ सकता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी आ सकती है और मैथमेटिक्स भी आ सकता है। यहाँ पे हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मीन्स वट, यहाँ पे अगर हिस्ट्री आएगी तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी। ओके, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, पजल सॉल्व हो गए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सेम पजल है आपने, हाँ जी सेम पजल है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड कौन है। तो यहाँ पे हमने देखा ज्योग्राफी में स्पेशलाइज्ड कौन है, बी। ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, टू विच सिटी डज द लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग्स टू। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पहले देखते हैं, ये है, और इकोनॉमिक्स के लिए सिटी कौन सा है, मुंबई। दैट मीन्स कि ए मुंबई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ऑप्शन बी मुंबई। ओके, यस, नेक्स्ट इज, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ पे है, ये है, एंड हैदराबाद से कौन बिलोंग कर रहा है, ई बिलोंग कर रहा है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, ई। डन, नेक्स्ट इज, हाँ जी नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट पजल इज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट पजल है आपके पास में, क्या है पजल, यहाँ पे देखो, सिक्स बॉक्सेस ए बी सी डी ई हैव बीन पेंटेड विद सिक्स डिफरेंट कलर्स। सिक्स बॉक्सेस हैं, सिक्स कलर्स हैं, सिक्स बॉक्सेस हैं, सिक्स कलर्स हैं, एंड द कलर्स आर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ओके, वायलेट, इंडिगो, एंड अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी देखो, अभी तक अब हमने जो पजल्स करे उसमें भी हमारे पास थे तो तीन वेरिएबल, बट उसमें ये कहीं भी नहीं मेंशन था कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। ठीक है, मींस कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। यहाँ पे क्या कहा गया आपका, लेफ्ट टू राइट, दैट मींस कि हमें एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो क्या है, हाँ जी, ईच बॉक्स कंटेन बॉल्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिक्स गेम्स, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है अलग अलग गेम्स के लिए, ये भी है। दैट मीन्स कि मेरे पास में क्या क्या वेरिएबल हो गए हैं, एक हो गया नेम बॉक्स का, ठीक है, उसके बाद में उसके कलर्स और गेम। अब एक और पॉइंट है यहाँ पे, उसने क्या कहा, लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स कि सीरियल नंबर इज अगेन इंपॉर्टेंट हियर। दैट मीन्स कि जो मैं टेबल बना रही हूँ, उस टेबल के अंदर मुझे सीरियल नंबर भी मेंशन करने हैं, और सीरियल नंबर कैसे जाने चाहिए, लेफ्ट टू राइट, मीन्स 1 to 6। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए ये आ गया आपका, इस तरह से बना लेंगे, हाँ जी, 1 to 6, नेम, गेम, बॉल और कलर, ये आ गया आपके पास में। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है देखो यहाँ पे क्या है, द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स, द गोल्फ बॉल इज इन वायलेट बॉक्स एंड नॉट इन बॉक्स डी। अब जो इन्फॉर्मेशन है ना, अब वो मैंने इस टेबल में फिट करनी। अब देखो मैं कहाँ पे लिखूँ, नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ नंबरिंग है ना, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी मैं उसको इसके अंदर प्लेस कर सकती हूँ। और अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं फिट हो रही तो हम क्या करेंगे, साइड में नोट डाउन कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या, गोल्फ बॉल, गोल्फ लिख लिया मैंने, गोल्फ बॉल इज वायलेट, इज इन वायलेट बॉक्स, नीचे मेरा कलर था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वायलेट बॉक्स,
इज नॉट इन बॉक्स डी, डी के अंदर नहीं है। देखो क्या कहा मैंने, डी के अंदर नहीं है। वैसे हमने इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे क्या है, बॉक्स ए, बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल, बॉक्स ए विच कंटेन टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज इन कलर इज एट एक्सट्रीम एंड। अब यहाँ पे एक्सट्रीम राइट कह दिया, दैट मीन्स कि इसको तो मैं टेबल में प्लेस कर सकती हूँ, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। अगर हम इसको टेबल में प्लेस कर सकते हैं तो प्लेस कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। क्या कह रहे हैं, बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल, बॉक्स ए विच कंटेन्स टेनिस बॉल इज ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज इन कलर एंड इन एट द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट पे। पॉइंट इज क्लियर। आगे देखो क्या कहता है, द हॉकी बॉल इज नीदर इन बॉक्स डी नोर इन बॉक्स ई। हॉकी बॉल जो है कह रहे क्या, तो ना तो बॉक्स डी में है ना तो ई में है, ना तो डी में ना तो ई में, ओके। द बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन। अब इसका भी मुझे नहीं पता क्या है, हाँ जी, बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल इज पेंटेड ग्रीन, उसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। अगेन मैंने साइड में इंफॉर्मेशन पुट कर ली, ओके। क्या है जो इन्फॉर्मेशन पुट करती, अभी ये नहीं सोचना कि मेरी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन टेबल में नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, सभी मिलेगा आपको आगे। यहाँ पे आगे देखो फिर क्या, द हॉकी बॉल इज नीदर इन द बॉक्स पेंटेड ब्लू नोर इन इज येलो। हॉकी वाले जो बॉल है, ये है हॉकी का, कह रहे कि ना तो ये ब्लू है ना तो ये येलो है, क्रॉस कर दो, कर दिया। आगे देखो, द बॉक्स सी इज फिफ्थ टू द राइट, सी इज फिफ्थ टू द राइट, सी कहाँ पे है, फिफ्थ टू द राइट, जैसे लिखा वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टू बॉक्स बी, और बी के नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने बी मेंशन कर दिया, डन। अब देखो, द बॉक्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, बी के अंदर क्या है, वॉलीबॉल है, बी के अंदर क्या है हमारे पास, वॉलीबॉल है। द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन द बॉक्सिस कंटेनिंग गोल्फ बॉल एंड वॉलीबॉल। अब देखो वॉलीबॉल इसमें है, अब गोल्फ और वॉलीबॉल के बीच में, दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल्फ, ओके। यही क्या है, देखो द बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, हॉकी बॉल है, इज बिटवीन वॉलीबॉल एंड गोल्फ, दोनों के बीच में क्या, हमने दोनों के बीच में उसको प्लेस कर दिया। अब देखो यहाँ से ही अपने को इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई है, क्या हो गया आपके पास में, यहाँ पे देखो अब क्या है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो हॉकी है, हॉकी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे थी, हॉकी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे थी। अब देखो यहाँ पे ए आ चुका, बी आ चुका, सी आ चुका, हॉकी के लिए डी और ई आ नहीं सकता, दैट मीन्स क्या आएगा, एफ आएगा, तो हॉकी के लिए क्या आ गया आपके लिए, एफ आ गया, बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। अब आगे देखो, गोल्फ, गोल्फ के लिए डी नहीं आ सकता, क्या था, गोल्फ के लिए डी नहीं है। अब देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है, एफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रह गया, ई रिमेनिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ई आ जाएगा, सिंपल सा। अब कौन बच गया, हाँ जी, कौन रह गया, डी रह गया, डी कहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, हाँ जी, सभी के नेम हो गए। अब नेम के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या था आपके पास, सी के अंदर क्रिकेट है और वो ग्रीन कलर की है, सी के अंदर क्रिकेट है, ये तो बल्कि हम पहले ही प्रेस कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को, और वो क्या है, ग्रीन कलर की, डन। डी के अंदर गोल्फ है ना, गोल्फ वाले जो है वो उसका कलर कैसा है, वायलेट है। अब गोल्फ के लिए देखो कहाँ पे, गोल्फ ये है और ये कैसा कलर है, वायलेट कलर है, डन। अब उसने साथ में कहा कि जो हॉकी है, हॉकी के लिए ना तो ब्लू आ सकता ना तो येलो आ सकता, ना तो ब्लू आ सकता ना तो येलो आ सकता, रह कौन सा कलर गया, हाँ जी, ब्लू नहीं आ सकता, येलो नहीं आ सकता, वायलेट आ चुका है, ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पे आ चुका है, येलो और ब्लू आ नहीं सकता, दैट मीन्स कि रिमेनिंग कलर इज इंडिगो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉकी के लिए क्या आ गया आपके पास, इंडिगो, ओके। अब आता है अपने पास में, हाँ जी, अब यहाँ पे देखो कि कौन सी बॉल रह गई है,
सारी बॉल्स आ चुकी, हाँ जी पांच बॉल्स आ चुकी है हमारे पास में अलग अलग गेम्स की, एक रह गई है वो कौन सी है, हाँ जी गोल्फ हो गया, क्रिकेट हो गया आपके पास में, टेनिस हो गया, फुटबॉल रह गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके लिए, फुटबॉल आ गई, हाँ जी फुटबॉल आ गई है। अब यहाँ पे देखो, हाँ जी यहाँ पे एक और भी पॉइंट था आपके पास में, क्या कि यहाँ पे जो वॉलीबॉल है, कहाँ पे द बॉक्स कंटेन्स बी कंटेन्स वॉलीबॉल, यहाँ पे आपके पास में ये नहीं आ सकते कलर्स। अब एक और था आपके पास, हाँ ये है वॉलीबॉल, देखो नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है यहाँ पे आपके पास में कि डी के अंदर क्या आ गए, ये फुटबॉल है, ये अब हमारे पास में दो कलर्स रह गए बेटा, कौन कौन से कलर्स रह गए, कौन कौन से कलर्स रह गए, ये दो कलर्स रह गए, और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि ये कहाँ पे आएंगे, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं, कलर कौन कौन से रह गए, दो कलर्स रह गए और दो ही स्पेसिस है, दो स्पेसिस दो कलर, दैट मीन्स कि या तो ब्लू यहाँ पे आएगा, येलो यहाँ पे आ जाएगा, या फिर येलो यहाँ पे आ जाएगा तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, ओके द पजल इज सॉल्व। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी सेम पजल है, सेम है क्वेश्चन, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन गोल्फ बॉल, गोल्फ देखिए अब कहाँ पे है, गोल्फ ये है ठीक है, और इसके लिए बॉक्स कौन सा है, ई, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी इज पेंटेड येलो, डी इज पेंटेड येलो कंफर्म नहीं है, देखो ब्लू भी हो सकता है येलो भी हो सकता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट ना, एफ इज पेंटेड इंडिगो, एफ इज पेंटेड इंडिगो, यस सो दिस इज करेक्ट ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास द फुटबॉल इज द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल कौन से कलर की है, अब देखो यहाँ पे अगर हम फुटबॉल के बॉक्स कहें, हाँ फुटबॉल के बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें नहीं पता ये फुटबॉल है ठीक है, अब यहाँ पे देखो फुटबॉल के लिए ब्लू भी हो सकता है येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है येलो भी, अब यहाँ पे ऑप्शन में ब्लू भी है और येलो भी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा, हाँ जी ब्लू भी तो हो सकता है, इसी तरह से अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो कहते हैं येलो भी हो सकता है, दैट मीन्स कि वी कांट डिटरमाइन, जो डाटा गिवन है उसके अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिससे हम इसको कन्फर्म कर सके, सो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन ओके। यस, जो इस चैनल पर अभी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वीडियो हेल्पफुल है तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ जी वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी वीडियो हेल्पफुल है, हमें कुछ हेल्प मिली है, कुछ समझ में आया है ओके। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हाँ जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए अपनी स्टडी प्रिपरेशन के अंदर, कि हाँ जी एक बात जरूर ध्यान रखनी है, हाँ जी एक बात जरूर ध्यान रखनी है, जितना आप जीएस पे फोकस कर रहे हो ना, जीएस पे मानती हूँ मैं कि हाँ जी जीएस पे फोकस करना है, बट अगर बेटा जी अगर आपका सी सेट रह गया तो फिर जीएस का कोई फायदा नहीं है, बेशक से क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग है, बट डेली इसको टाइम दो, सी सेट को डेली टाइम देना ही देना है, ये सोच के चलो कि हाँ जी डेली वन आवर तो मैंने डिवोट करना ही करना है सी सेट पे, कभी क्वांट कर लिया, कभी लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, कभी इंग्लिश कर ली ओके, हाँ जी डेली टाइम डिवोट करना है सी सेट पे ओके। सो थैंक यू सो मच, क्लासेस ओवर।